हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज लोकुस मिश्रा और आप मुझे देख पा रहे हैं मिश्रा लेक्चर चैनल पे। सो चलिए डियर, आज के इस लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे घातांकों के सिद्धांत में क्वेश्चन नंबर 14 और 15। क्वेश्चन नंबर 14 हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको, बहुत ही आसान तरीका इसको हल करने का। सबसे पहले देखिएगा डियर, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, इसका भी एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम जब आप लेंगे तो इस तरीके से देखिए, ये हो जाएगा हमारा एक और पी का एलसीएम होगा पी, और पी में वन का भाग देंगे तो पी बार जाएगा, पी में क्यू का गुणा करेंगे ये हो जाएगा पी क्यू। यहाँ पे प्लस है, प्लस लिखेंगे। उसके बाद देखिए P में P का भाग देंगे एक बार और एक का एक में गुणा करेंगे, एक आएगा, ये हो गया होल टू द पावर m इनटू वन, और P का एलसीएम लेंगे फिर से आ जाएगा ये हमारा P, और P में वन का जब भाग देंगे तो P बार और P का गुणा Q में करेंगे ये हो जाएगा पी क्यू। यहाँ माइनस P में P का भाग देंगे वन बार जाएगा और वन का वन में गुणा हो जाएगा वन होल टू द पावर m पूरे का अपान। फिर देखिएगा एक और क्यू का एलसीएम लेंगे डियर, ये हमारा हो जाएगा क्यू, और क्यू में वन का भाग देंगे क्यू बार और क्यू का पी में गुणा करेंगे ये हो जाएगा पी क्यू। प्लस है, प्लस लिख देंगे। क्यू में क्यू का भाग देंगे वन बार और वन का वन में गुणा वन आएगा होल टू दी पावर एम इंटू वन, और क्यू का एलसीएम लेंगे क्यू आएगा और Q में 1 का भाग दोगे 1 बार, 1 का गुणा P में करेंगे ये हो जाएगा PQ। तो Q में Q का भाग एक बार, एक में 1 का गुणा 1 होल टू द पावर m। सो डियर, इस चीज को हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे ये होल टू द पावर, जैसे ये हमारा फार्मूला है x अपान y होल टू द पावर m लिखा है ना, तो इस चीज को लिख देंगे x के पावर m अपान y के पावर m। सेम इसी फार्मूले से इस चीज को हम ऐसे लिखेंगे डियर, पी क्यू प्लस वन होल टू द पावर m अपान p के पावर m इंटू पी क्यू माइनस वन होल टू द पावर m अपान p के पावर m अपान, इसका भी सेम ऐसे लिखेंगे, पी क्यू प्लस वन होल टू द पावर m अपान q के पावर m इंटू पी क्यू माइनस वन होल टू द पावर एम अपान क्यू के पावर एम। सो डियर, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा, ये वाला ऊपर ले जाएंगे, ये वाला नीचे ले आएंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस चीज को, ये हो जाएगा क्यू के पावर एम, क्यू के पावर एम ऊपर लिखिए, ये हो जाएगा क्यू के पावर एम इंटू क्यू के पावर एम अपान, ये नीचे पी के पावर एम इंटू पी के पावर एम, आधार आधार बराबर है, गुणा में घात जुड़ जाएंगे, क्यू के पावर टू एम अपान पी के पावर टू एम। सो डियर, क्यू अपान पी लिखेंगे और इसे लिख देंगे होल टू द पावर टू एम। ये हमारा आंसर हुआ इस 14 क्वेश्चन का। अब देखिएगा डियर, क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका है इसे हल करने का। ये 5 है ना, इसे ये 3 का मल्टीप्लाई x में कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 8 इंटू e टू द पावर 3x स्क्वायर। डियर, यहाँ पर ये 3 है ना, कुछ लोग गलतियां कर देते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा, जब होल टू द पावर रहे ना इसके घात में करेंगे, और इसका घात x है और x के घात 2 है, तो 3 का जो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग x में करते हैं इनटू 1 अपॉन 5, और ये x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, ये हो जाएगा e के पावर 5x स्क्वायर, और डिवाइडेड 4x का गुणा 2x में करोगे e टू द पावर 4 2 जा 8x स्क्वायर। अब यहां पे क्या करेंगे डियर, 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, ये हो जाएगा 8 अपॉन 5 e के पावर 3x स्क्वायर इनटू e के पावर 5x स्क्वायर,
सो डियर यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह है, तो इधर इन दोनों घातों को या तो माइनस में कर दीजिए या इस ये वाले घात माइनस में कर देंगे, तो यहाँ पे जो डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। तो सो डियर हम लोग इधर ज्यादा पद है, इधर वाले को ना माइनस में पावर करके हम इधर एक ही है इधर वाला माइनस में कर देंगे, ये हो जाएगा e के पावर माइनस 8x स्क्वायर। अब यहाँ पे रूल जानते हैं कि अगर आधार बराबर है तो गुणा में घात जुड़ जाएंगे। ये देखिए बेस बेस e है तो सबको हम जोड़ लेते हैं, e के पावर 5 में 3 ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर। सो डियर इसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 बाई 5 e के पावर 0, e के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 का गुणा 8 बाई 5 में करेंगे।